हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं आपकी होस्ट नायला मलिक WRM चैनल से। तो जनाब, आज हम मौजूद हैं दी दाऊद फाउंडेशन TDF लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी भी है और वुमेन ट्रेनिंग सेंटर भी है। यहाँ पर मल्टीपल चीजें हैं। 1930 से ये घर आबाद है, जो कि देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा, न्यूली मेड होम लग रहा है, बट यस इट्स ट्रू। इनकी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है और यहाँ पर आकर भी मालूम हुआ है कि 1930 में यहाँ पर हाजियानी हनीफा भाई साहब रहती थी, और जिन्होंने 1961 में ये घर फाउंडेशन के नाम कर दिया था। स्टार्ट में ये वुमेन सेंटर था, वुमेन ट्रेनिंग सेंटर, फ्री ऑफ कॉस्ट वुमेन की ट्रेनिंग होती थी डिफरेंट चीजों को लेके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लाइब्रेरी में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पर आपको मल्टीपल चीजें मिलने वाली हैं विद एंटीक डिफरेंट एसेसरीज एंड आर्टिकल्स एंड ऑफ कोर्स आर्ट गैलरी एज वेल। आपको यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग नजर आएगी सिंस 1930। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं। ये एंटीक फर्नीचर है, ओके। अच्छा, ये पहले जमाने में जो फोन चलता था, टेलीविजन जो पुराने जमाने में चला करते थे, और ये रेडियो है, राइट? ये रेडियो है। तो अच्छा, इसको टच नहीं करना है, सॉरी, लिखा हुआ है डू नॉट टच, सही है। तो ये आपको बहुत पुराने जमाने की एंटीक चीजें यहाँ पर नजर आएंगी। ये फर्नीचर है पुराने जमाने का, ये चेयर्स टेबल है। अच्छा जी, ये क्या है? ये साउंड सिस्टम है कोई? ये कुछ साउंड सिस्टम नजर आ रहा है। ये इसमें है नाइटिंग मशीन, ये है सिंगर नाइटिंग मशीन मॉडल 305 ऑटोमेटिक। सिंगर कंपनी से नाइटिंग मशीन मॉडल 305 ऑटोमेटिक इज अ कॉम्पैक्ट एंड द मोस्ट एडवांस नाइटिंग मशीन ऑफ दिस टाइप। A countless number of pattern stitches can be worked on this machine by simple operations of pattern dials and shift dials and commission. Okay. अच्छा, यहाँ पर आए हैं, एंटीक बर्तन दिखाते हैं। ये कुछ क्रॉकरीज है, कैटल्स हैं, वाज है, बॉल है। ये क्रॉकरीज हैं कुछ एंटीक। वाओ, ओके, ये दिखाएं, ये क्या है? ये तो मुझे W11 बस नजर आ गई है। अच्छा, ये हमारे पुलिसमैन है, उसके साथ कुछ मॉडल्स नजर आ रही हैं। ये हमारा चिमची रिक्शा जो चलता है, मतलब यहाँ पर कराची में जितनी भी चीजें हैं सबको ही कवर कर दिया इन्होंने। मेरी जगह कहाँ है, तो इसमें मतलब ये दिखाया गया है कि जिन लोगों का कोई रहने का ठिकाना या कोई चीज नहीं है, तो ये वो लोग दिखाए गए हैं। क्या मैं इस जगह का हिस्सा हूँ, क्या मैं इस जगह का हिस्सा हूँ, एंड ऑल दैट। से बाहर है, यहाँ पर कोई गाइड करने वाला बंदा हो ना तो ज्यादा गाइड कर रहा है। अच्छा, ये कराची के डिफरेंट एरियाज हैं, टावर और ये जो मेन मेन जगह है, जो ओल्ड सिटी एरियाज को इन्होंने बेसिकली कवर किया है इसमें। ओके गाइस, ये भी एक आर्ट गैलरी है छोटी सी, ये भी देखें। यहाँ पर भी कराची के तकरीबन सारे जो सनराइज और सनसेट वाले सीन है वो सारे कैप्चर हुए हैं, ओल्ड वर्जन भी और न्यू भी। अच्छा, दिस इज ऑल्सो मिस्टीरियस, इसमें एक, अच्छा ये कुछ मैप लग रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के, लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब सी मतलब वो ड्राइंग बनी हुई, किसी का चेहरा बना हुआ है, गुड डेविल है, तो दिस इज Also something mystery type. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी आर्ट से रिलेटेड चीज है काफी।
अच्छा ये भी कुछ क्रॉकरीज हैं, ये पुराने जमाने के कुछ कदीम जमाने के कुछ क्रॉकरीज हैं, एंटीक क्रॉकरीज। सो गाइस ये मजार ए कायद के कंस्ट्रक्शन के टाइम की पिक्चर है जिसमें लियाकत अली खान साहब भी कहीं नजर आ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, मुझे नजर नहीं आ रहा है, आप देखिए अगर आपको कहीं नजर आ रहा है, मुझे लगता है ये है या इनमें से कहीं है। और ये क्या है, तारीख 1922 इट वाज कंस्ट्रक्टेड, ये वो लग रहा है क्लिफ्टन बीच आइलैंड। अब स्टेज चलते हैं और देखते हैं वहां पे क्या हमें मिलता है। ये वुमेन वर्कर स्वीपिंग रोड, अच्छा ये एक वुमेन है जो काम करते हुए रोड पे दिखाई गई है, ये है 1950 की फोटोग्राफी। तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी में आपको इस तरह की चीजें नजर आ रही होंगी, थोड़ा सा लग रहा होगा ना अजीब कि ये क्या है, लेकिन यहाँ पर ये एक दरख्त है, ये जैसे मैंने बताया कि ये कदीम जमाने का घर है, तो ये जो दरख्त है एलमंड ट्री कहते हैं ये इसको, एलमंड ट्री के नीचे ये घर आबाद है। और एलमंड ट्री की हिस्ट्री ये कहती है कि यहाँ पर जो भी मन्नत मानी जाए, जो भी मन्नत दिल में रख के कोई धागा कोई कलरफुल दुपट्टा कोई कपड़ा कुछ बांध दिया जाए तो वो मन्नत पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर ये कुछ सीढ़ीज भी नजर आ रही है, मैं तो हाथ लगाते हैं क्योंकि डर लग रहा है, मन्नत और मुरादों की चीज है ये। तो यहाँ पर ये आपको डोरियां ये सब चीजें नजर आ रही है, ये कोई मार्केट नहीं है, ठीक है, ये कोई दुपट्टा शॉप नहीं है, सॉलर शॉप नहीं है, ये कोई ज्वेलरी शॉप नहीं है, ये इस कदीम जमाने के दरख्त के नीचे मतलब दिखने में भी थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप का लग रहा है। तो दिखाएं जरा, ये थोड़ा सा लग रहा है इस तरह मिस्टीरियस टाइप का। अच्छा यहाँ इसके ऊपर कुछ बैठा हुआ भी है, घोंसला भी बना हुआ इसके ऊपर परिंदों का, ठीक है। तो आए मजीद आगे बढ़ते हैं, आ जाए। यहाँ पर ये जो आपको रिक्शा साइकिल टाइप रिक्शा नजर आ रहा है, ये बाबा कायद के जमाने में और उससे पहले 1930 से लेकर पाकिस्तान बनने तक ये चलता था, इस तरह के मजे वाले रिक्शे चलते थे। तो ये एक पुराने जमाने का एक कदीम शाहकार आपको मैं दिखा रही हूँ। अच्छा यहाँ का व्यू आप चेक करें, ये हम टेरिस पे खड़े होकर नीचे का व्यू देखते हैं ग्राउंड फ्लोर का, बहुत ही हसीन लग रहा है, आई एम जस्ट लविंग इट। चले अब अपस्टेयर्स देखते हैं कि मजीद क्या है। ऊपर टॉप फ्लोर है, हम टॉप फ्लोर पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पर हमें एक कैफेटेरिया नजर आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेट हुआ हुआ, तो दिखाते हैं आप। ये वाओ, यहाँ पर मजारे कायद का पूरा व्यू नजर आ रहा है। बाबा जी को सलाम भी कर लेते हैं और इसके साथ अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ का कैसा लगा विजिट, और यहाँ पर विजिट करें तो भी अपना फीडबैक मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं, मेरा चैनल अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जिसने बेल का बटन नहीं दबाया अभी तक वो बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। Stay tuned. Allah Hafiz.